मैं ये बता कि इसे नीचे लाने की जरूरत क्या थी? टूट कर गिर जाता तो? मैं निहाल सासू को दिखाने लगी थी बीजी। बिना किसी से पूछे हाथ कैसे लगाया तूने? रतन, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मानती हूँ कि उसने गलती की है, पर इतनी बड़ी भी नहीं है गलती जो तू इतना चिल्ला रही है। नहीं चाहिए जी, बेकार के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। दिमाग खराब हो गया इसका। जब देखो अपनी मनमानी करती रहती, इसे चुप रहना सीखना होगा। थक चुकी हूँ इसके सवालों के जवाब देते देते। अब जा, ऊपर जाकर सो जा और इसे अपनी जगह पर रख दे। देख क्या रही है, जा। पर बीजी। चुप। एक भी शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से। जा। मेरा पुत्र, जा। साथ ऊपर, मैं अकेले सोने में डर लगता है। वीरा, तेरा नौकर है वो, जब देखो तेरा हुकुम मानता फिरेगा, जो बोलेगी वही करेगा। जा, चुपचाप जाकर सो जा। मेरे रब्बा, ये सब क्या हो रहा है इस घर विच? परेशानियां तो थी, पर ऐसे झगड़े, इन्ना जहर। धनी रतन को क्या हो गया? भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब मैं इसे 50 दिन ना करे, मेरा सब तेरे हवाले। मेरे अच्छे वीर जी, वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। वीरा, मैंने आज तुझसे बहुत देर तक बात की ना, तेनु बहुत बुरा लगा होगा ना। अच्छा बता, तेन खुश करने के वास्ते की करूं? अब तू जो भी मांगेगी ना, मैं वो तेन दे दूंगा। बस बता की चाहिए तेन।
रघुवीर जी, मैंने आपके हाथ से खाना खिलाओ, बहुत भूख लगी। पक्का खाना खिलाऊं? हाँ पक्का वीर जी। पक्का? हाँ वीर जी पक्का। पक्का? हाँ वीर जी, वीर जी पक्का। वीर जी मैंने गुदगुदी मत करो वीर जी, नहीं वीर जी मत करो, नहीं वीर जी गुदगुदी ना करो मैंने, नहीं वीर जी नहीं, वीर जी नहीं गुदगुदी नहीं करो, वीर जी नहीं, वीर जी बस मत करो, वीर जी नहीं, वीर जी मत करो मैंने गुदगुदी, वीर जी बस करो, वीर जी मैंने गुदगुदी मत करो, वीर जी मैंने गुदगुदी मत करो, वीर जी नहीं। ये अभी तक सोई है? मीरा, मीरा, उठ, मीरा, मीरा उठ, मीरा, मीरा उठ, मीरा, उठ ना, मीरा। बीजी, आपने मैनु मार के क्यों उठाया? तू क्या दिन भर तेरे पीछे पड़ी रहूं? कोई और काम नहीं है मैनु? चल उठ, चल तैयार हो जा, उठ तैयार हो जा, चल उठ बिस्तर से। बीजी, आज आप मेरे वास्ते नाश्ते में क्या बनाओगे? तेरे वास्ते? अब तेरे हिसाब से इस घर में सारे काम होंगे, जो बनाऊंगी चुपचाप खा लेना, समझी? कोई नखरे नहीं चाहिए तेरे। बीजी, मैंने तो कोई शरारत ही नहीं की और आप मेनू डांट रहे हो। अच्छा डांट रही हो? अब सीधा बोलना भी डांट लगती है तेनू? जुबान लड़ाती है मेरे साथ, अभी बता दियो। बीजी मेनू बचाओ, बीजी मेनू मारी है। बहुत जुबान खुल गई इस लड़की की। रानी पुत्र, तू बता तू की खाएगा? जो बोलेगा वही बना दूंगी तेरे वास्ते। बता। वीजी से देख के पक्का खुश हो जाएंगे। देखा वीजी, आप कितने सोने लगते हो हंसते हुए। ओए मेरे मित्रिये, क्या बना रही है? ये देखो, मैं मेरे वीजी की तस्वीर बना रही हूँ। अच्छी है ना? अरे वाह, बड़ा सोना लग रहा है तेरा वी तो तस्वीर में। बहुत अच्छी बनाई है। मैं वीजी ने दिखा गया हूँ मुझे चाहिए जी। दिखा। वीजी, 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 ये देखो, जब आप 50 होते हो तो कितने बुरे लगते हो, जब हंसते हो तो कितने अच्छे लगते हो। बीजी, बीजी, ये देखो, मैंने बीजी की तस्वीर बनाई है। मीरा, दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ, तंग मत कर। बीजी, देख लो ना, बीजी एक बार देख लो, बीजी देखो ना। मीरा एक बार ही कहा ना, समझ में नहीं आता? और तू भी ये सब फालतू की चीजें छोड़ और कुछ ढंग का काम कर, अच्छा होगा तेरे लिए। ये ले, बैठ यहाँ। बैठ।
ये ले। सब्जियां काट, सबनों परेशान करना छोड़ और कुछ ढंग का काम कर। पर मैं तो बहुत छोटी हूँ बीजी, मैंने सिर्फ पराठा बनाना आता है, सब्जी काटना नहीं आता। चाकू से मेरा हाथ कट गया तो? कुछ नहीं होने वाला, फूलों की बनी नहीं है तू। कितने नखरे पड़ गए तेरे, जो बोला चुपचाप कर, तंग करना छोड़ मैनू। मैं ऊपर छत पर जा रही हूँ मिर्ची लाने, जब तक नीचे आओ सारी सब्जियां कटी हुई चाहिए। पर बीजी है, चाकू तो बहुत तीखा है, मैनू डर लग रहा है। अच्छा, खाते वक्त तो नहीं सूझते इतने नखरे? तभी तो नई नई फरमाइशें सूझती है, काम कहते डर लगने लगा। कुछ नहीं होने वाला, जो कहा है वो चुपचाप कर। तो बीजी से होगा, मैं नहीं कर सकूंगी। इतने की करी? मैंने सब्जी काटने को कहा था ना, वहां से बिना बताए आई कैसे? रतन पुत्र, छोटी बच्ची है, कैसे काटेगी सब्जी? मैनू दे, मैं काट के देती हूँ तेरे को। नहीं चाहिए जी, जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। सबने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। पर रतन, नहीं, कोई तरफदारी नहीं सुननी इसकी। बदतमीजी के लिए तो इसे सजा मिलेगी। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। नहीं नहीं बीजी, मैं स्कूल जाने दो। फिर से जुबान लड़ा रही है मेरे नाल? अब देखती हूँ स्कूल कैसे जाती है तू। क्या रहेगी? चला दूंगी इस बैग को। अरे रतन, बीजी रतन, नहीं ताई जी छोड़िए। बीजी नहीं, मत करो, बीजी ने दिया है। ये मुझसे जुबान लड़ाने से पहले सोचना चाहिए था। अब छोड़ रतन, बैग छोड़। नहीं ताई जी नहीं, छोड़ रतन, नहीं, बच्चों की तरह मत कर, आज जला दूंगी ये बैग, नहीं जाएगी ये स्कूल। बाहर छोड़ रतन, छोड़ ना, छोड़ मीना। नहीं छोड़ ना। बीजी, आपने मेरे ग्राउंड धक्का क्यों दिया? इसे लग जाती तो। और सब्जी, सब्जी काटने को कह रहा हूँ मेरी रानू। इतनी छोटी है वीरा, हाथ कट जाने तो।
से देख रहे हो अगलू और सोच रहा हूँ कभी बस करो कभी बस करोगे पर नहीं आप तो रुक ही नहीं रहे क्यों हो गया आप लोग हाँ बहुत गुस्से में लगते हैं ना मैं उनको फूंक मार दूं इसकी कोई जरूरत नहीं माँ बेटे का मामला है आप सब सुलझा लेंगे मेरे नाल चल कर सकती बच्ची नहीं है वो अब छोटे मोटे काम दी थे तो गलत क्या किया हाँ गलत कितना आपने वो आपके पेट से पागा नहीं हुई है ना उसके आप उसे ठीक से प्यार नहीं कितना अभी तक कम से कम आप उसे धक्का तो नहीं देती थी और बंद में गुस्सा तो नहीं करती थी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती थी पर अभी क्यों गया आप लोग जी कुछ नहीं हुआ है वीरा के साथ जितना अच्छा बर्ताव कर सकती हूँ उतना कर रही और आगे भी इस घर में वीरा के साथ ऐसा ही बर्ताव होना है क्यों क्यों ऐसा होगा वीरा तेरा क्योंकि उसके झूठ मूठ की माँ बनकर थक गई हूँ मैं तू जो अब तक उसकी माँ बना फिरता था तू तो अब उसका भाई बनने को भी तैयार नहीं है तो मैं क्यों उसके नखरे उठाऊं क्यों गया आप रूबी जी ऐसा क्यों बोल रहे हो वीरा के बारे में अचानक क्यों हो गया आप लोग क्योंकि मैं अब इस भूत का बोझ नहीं उठा सकती और अब जब तैनू पता चल गया कि वो तेरी सगी बहन नहीं है तो तैनू इतना क्यों दुख हो रहा है तेरे साथ तो कोई गलत नहीं कर रही हूं ना ऐसा मत कहो बीजी कि वो मेरी बहन नहीं है कहने की जरूरत है अपना चेहरा देखा है तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखता है तेरा ये उदास लटका हुआ दुखी चेहरा बता रहा है तेरा उसके साथ बात नहीं करना बता रहा है तेरा उसका ध्यान नहीं रखना बता रहा है तेरा उसको खाना नहीं खिलाना बता रहा है कि तेनु इस बात का बहुत दुख पहुंचा है कि वो तेरी सगी बहन नहीं किसने कहा आपको भेजी ऐसे मैं स्वास्थ्य दुखी नहीं हूँ कि वीरा मेरी बहन नहीं है मैं स्वास्थ्य दुखी हूँ कि वीरा मेरी बहन क्यों नहीं है उसे मेरे जैसे आपके बेटे क्यों जन्म नहीं लिया मैं रामजी ने चिट्ठी भी लिखी थी वो मेरी सारी बात मानते हैं पर रामजी ने मेरी ये बात क्यों नहीं मानी आपके बेटे जन्म क्यों नहीं दिला मेरी फिर पर इससे ये थोड़ा बदल जाएगा कि मेरा मेरी बहन नहीं है मेरा मेरी बहन है और हमेशा रहेगी उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता जी, जो वीरा मेरी बहन भी होती ना तो सब कुछ जाने के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए था मेरा मन बदल जाना चाहिए था पर आपको बताओ बेजी सच की है ये सब जानने के बाद भी मैं वीरा के ही सपने आते वीरा ही याद आती रहती है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है बेजी कि वीरा मेरी बहन नहीं है बात चाहे जो भी हो बेजी मैं तो फर्क नहीं पड़ता वीरा मेरी बहन है और हमेशा रहेगी हमेशा हमेशा ऐसे ही रामू अचानक क्यों हो गया बीजी कल से देख रहे हो आप वीरा के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो और आज तो आपने हद ही कर दी बीजी वीरा के हाथ में चाकू थमा के कह दिया उसने की सब्जी काट उसे धक्का दिया उसकी बैग चलने लगी रामू और बलदेव में क्यों फर्क रह गया बीजी हाँ मैंने किया उसके साथ ये सब पर मुझसे सवाल करने से पहले तू अपने आप से पूछना कि तूने उसके साथ क्या किया अपने आप में उसकी माँ कहता है फिर तेरा ऐसा बर्ताव करना सही है
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।